नमस्ते बेटिया, खुश रहो। आई जेवीएन आरजू बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी एट जेवीडब्ल्यू। टुडेज टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ पीएचपी। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पीएचपी? पीएचपी इज मोर सुटेड फॉर पर्पस फॉर ऑफ वेब डेवलपमेंट। सम एडवांटेज ऑफ पीएचपी आर डिस्कस्ड बिलो। व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म? PHP can be run on many platforms, including Windows, Linux, and Mac. It is easy for user to finding hosting service provider. तो मतलब अगर आप एक जगह develop करो और उसको many many computer पर run करा सकते हो। जैसे for example आपने Windows पर applications बनाई, okay? उस Windows पर application बनाई है, उसको आप Linux पर भी run करा सकते हो और Mac पर भी run करा सकते हो। इसलिए PHP का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेकंड, इजी टू कनेक्शंस। ए प्रोग्रामिंग लाइक PHP इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट, नीड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस वेरी ऑफन। सो हैविंग ए फीचर दैट कुड हेल्प PHP टू कनेक्ट टू डेटाबेस इजीली इज मैंडेटरी। मेनी वेबसाइट्स सच एज द ई-कॉमर्स वेबसाइट रिक्वायर्ड गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आप कोई PHP लैंग्वेज लिखते हो तो उसके लिए हमें कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके लिए हमें वेब एप्लीकेशंस के लिए हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप चाहे वो PHP हो, चाहे ASP.NET हो, चाहे JSP में कोडिंग करो, उसके हर एक वेब एप्लीकेशन के जब कोडिंग लेते हैं तो उसके लिए हमें आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बट PHP में ये बेनिफिट होता है, PHP में ईजी डेटाबेस कनेक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन गिव होता है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए होता है। PHP के अंदर एक फंक्शन गिव होता है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए दिया होता है। उसके अंदर जाना आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी में और डायरेक्ट MySQL_connections लिखना है और उसको क्लिक करना है और हमारा जो कनेक्शन होता है डेटाबेस का वो क्रिएट हो जाएगा। थर्ड इज इजी टू यूज। PHP is widely used because it is easy to use. It uses C-like syntax. So for those who are familiar with C, it's very easy for them to pick up and it is very easy to create website script. In contrast with other programming languages that are complex, PHP is simple, fluent, clean and organized. Hence it is good for the new user. अगर आप लोगों ने C पढ़ी है तो बहुत अच्छी है। अगर आपने अच्छे से सी पढ़ लिया है तो आपके लिए PHP का जो सिंटैक्स है वो लिखना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज PHP का सिंटैक्स जो होता है लगभग सिमिलर होता है सी की सिंटैक्स की तरह, ठीक है। फोर्थ इज ओपन सोर्स। फोर्थ एडवांटेज जो होता है PHP का वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स one of the important advantage of PHP is that it is open source. So PHP is readily available and it's entirely free. It is developed and maintained by a large group of PHP developers. This will help in creating a support community or abundant extension library. PHP jo hota hai wo open source software provide karta hai, matlab ye फ्री होता है। इसमें जो भी PHP की कोड होती है वो एज ए फ्री होता है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उन जो आपका है उसे डाउनलोड करो और उसको यूज कर लो। इसके लिए आपको ये फ्री कोड सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी सोर्स कोड होती है इसमें फ्री है, इसमें आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़े, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एज ए डेवलपर, एज ए स्टूडेंट आप उस कोड को यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस। फिफ्थ है परफॉर्मेंस। स्क्रिप्ट आर रिटन इन PHP एग्जीक्यूटिव फास्टर देन दोज रिटन इन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद न्यूमरस इंडिपेंडेंट बेंचमार्क पुटिंग द लैंग्वेज अहेड ऑफ कंपीटिंग अल्टरनेटिव लाइक JSP, ASP.NET, Perl। परफॉर्मेंस जो होती है PHP की वो दूसरे लैंग्वेज के कंपेयर इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, क्योंकि जितने भी दूसरे लैंग्वेज है उसको हम पहले कंपाइल करते हैं फिर उसके बाद उसको डिप्लॉय करते हैं। बट PHP में ऐसा नहीं होता। PHP में क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट कोड लिखो, फिर उसको डिप्लॉय करो और फिर उसको
डिप्लॉय कर लिया और फिर इसको डिप्लॉय कर लो, सॉरी फिर इसको डिप्लॉय कर दो, आपको कोड लिखना है डिप्लॉय करना। और ये नहीं है कि दूसरे लैंग्वेज में जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें पहले कंपाइल होगा फिर उसके बाद आप डिप्लॉय करते हो, इसमें ये नहीं है कि पीएचपी में आपका सिर्फ कंपाइल नहीं होता, पीएचपी में कंपाइल होता है पर वो इंटरनली कंपाइल होता है, इंटरनली वो उसका कंपाइल होता है। थर्ड इज टेबल। पीएचपी सिंस इट इज मेंटेन्ड बाय मेनी डेवलपर सो व्हेन बग आर फाउंड इट कैन बी क्विकली फिक्स्ड। तो पीएचपी जो होता है अलग अलग डेवलपर के द्वारा मेंटेन्ड होता है, मेनी डेवलपर्स के द्वारा ही मेंटेन्ड होता है, जब भी वहाँ कोई बग्स आता है कोई भी एरर आता है तो उसको डेवलपर के द्वारा जल्दी ही फिक्स कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पीएचपी का एडवांटेज है। पीएचपी प्रोवाइड पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट। पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट इट मीन्स आपने पीएचपी फाइल की कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना ली, अब आप चाहते हो कि उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, तो आपको उस फाइल को दूसरी जगह लगा के पीडीएफ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पीएचपी फाइल के जो पीएचपी होता है उसके अंदर ही एक इनबिल्ट पीडीएफ का भी फंक्शंस होता है, तो वो पीएचपी कहता है आओ और इसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो ये पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट होता है, तो यू कैन इजीली फाइंड फंक्शन मॉड्यूल यू नीड सच एज पीडीएफ ग्राफ, जिसमें आपको इसको एक्सचेंज करना होता है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ पीएचपी सिक्योरिटी। अब Since security, PHP is not secure because since it is an open source, so all people can see the source code. If there are bugs in the source code, it can be used by people to explore the weakness of PHP. अब PHP जो है open source है, open source मतलब वो free of code है, आपको उसको कोई payment नहीं करना, कोई license नहीं है उसका, आपको free codes है। इसमें अगर कोई बग्स आता है तो वो सारे डेवलपर या जो भी लोग हैं उसको उस बग्स को देखते हैं, तो वो उसकी वीकनेस को बताता है पीएचपी, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएचपी नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस बनाते हैं हम, वेब एप्लीकेशन, बड़े लेवल का जो एप्लीकेशन है उसके लिए पीएचपी लैंग्वेज जो है वो सुटेबल नहीं होता, क्योंकि उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, इजिली मेंटेन नहीं करते, तो so not suitable for large application, hard to maintain since it is not very modular, poor error handling, it is widely believed by the developer that php has a poor quality of handling error, php lacks debugging tools which are needed to search for error and warning, php has less number of debugging tools when compared to the programming language. This session is powered by Digital Session 2.0 JVW. Thank you.